हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। और यार अभी हम लोग जाने लगे हैं अपनी अपने लिए न्यू गाड़ी बाय करने। अब पहले हमारे पास जो है वो प्राडो है, सिर्फ मतलब एक प्राडो ही है फिलहाल हमारे पास। बाकी जो गाड़ियाँ थी वो हमने बेच दी थी पहले ही। अभी फिलहाल सिर्फ प्राडो है, लेकिन हमें एक और गाड़ी भी चाहिए, एक सेडान कार चाहिए। अब सेडान कार के अंदर मैं सोच रहा हूँ कि लग्जरी कार ले लूँ, और एक हमें चाहिए एक टोयोटा हाइलक्स, रिवो या वीगो, दोनों में से कौन सा मिल गया। ये दो गाड़ियाँ जो है ना हमें ज़रूर चाहिए, क्योंकि इलेक्शंस वगैरह के जो है ना टाइम आने वाला बहुत करीब है, तो उसके अंदर हमें कैंपेन वगैरह करनी पड़ेगी, तो उधर प्रोटोकॉल वगैरह में हमें जाना है। और फिलहाल अभी जो है ना ये इसका फार्म हाउस है, इसका आप लोगों को पता होगा। जिन लोगों को नहीं पता, इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग जाके देख लेना, उसके अंदर मैंने पूरा फार्म हाउस दिखाया हुआ है। खैर ये बहुत पुराना फार्म हाउस है, कब से हमने इधर रखा हुआ। अब जो फ्रैंकलिन है ना, वो यार इलेक्शन जो है वो लड़ने हैं फ्रैंकलिन ने सेंट शॉर्ट्स में, तो इसलिए इसने फार्म हाउस इसलिए लिया हुआ। अगर इस साइड पर जाएँ तो सेंट शॉर्ट्स है, इस साइड पर जाएँ तो लॉस सैंटोस है। ये ऐसा दरमियान में लिया हुआ फार्म हाउस, काफ़ी बड़ा भी और काफ़ी सस्ता मिल गया था हमें, इसलिए हमने ले लिया था। और फिलहाल अभी हमारे ये दोस्त मैंने बुला लिया, इसके साथ हम जाने लगे हैं, इसने हमें बताया दो तीन गाड़ियों का, तो अभी इसको लेकर हम जाने लगे हैं। वो गाड़ियों का पता करते हैं, क्योंकि भाई एक प्राडो ही है और गाड़ियों में काफ़ी की ज़रूरत पड़ेगी। आज भाई बैठ जल्दी चले। और इसके पास भी ये होंडा सिविक है। एक मैं सोच रहा हूँ कि अपने जो है ना बिल्कुल ऐसे मतलब सेडान को ले लूँ, होंडा सिविक या टोयोटा करोला में से। वो इसलिए कि भाई अगर छोटे मोटे काम के लिए जाना होता है कभी, तो ऐसी गाड़ियाँ ज़्यादा काम आती हैं। मेरे ख्याल है कि सिविक ही ले लूँ, ज़रा ये मॉडर्न टाइप ही है और सही भी है, क्योंकि टोयोटा करोला जो 2020 है वो अभी पता नहीं कब तक आएगी। जब तक जिमी ने उधर से कह रहा था कि शिप करवा दी हुई है, उधर से मैंने ऑर्डर दे दिया हुआ है, पता नहीं 2-4 दिन के अंदर आती हैं या हफ्ते के अंदर आती हैं, 10 दिन के अंदर आती हैं, उसको कंफर्म नहीं है अभी। खैर जब वो गाड़ी आएंगी तो एक बार हम भी बाय कर लेंगे उससे। अभी तो खैर उसने अपना जो है शोरूम स्टार्ट भी नहीं किया बिल्कुल, मतलब कोई गाड़ी नहीं है बीच में, और अभी वो शिफ्ट भी नहीं हुआ, वो बहुत जल्दी कह रहा था स्टार्ट करने लगा मैं। जब वो स्टार्ट करेगा तो उससे बाय कर लेंगे हम। कुछ गाड़ी हम जीबी से भी बाय कर लेंगे जब वो अपना शोरूम वगैरह खोलेगा सही तरह, क्योंकि इलेक्शन के बाद जो है ना हमें काफ़ी गाड़ियाँ तो गवर्नमेंट मिल जाएंगी, जो बाकी किसी की हमें ज़रूरत होगी तो हम उसी से बाय कर लिया करेंगे। वैसे फ्रैंकलिन की और भी जानने वाले बहुत हैं, तो इसको कोई ज़्यादा नहीं है मसला। और यार कल की वीडियो मैंने आप लोगों से पूछा था कि स्पीडोमीटर लगाऊं या नहीं, तो आप लोगों ने कहा था लगा लो, तो अभी वो मोड मैंने इंस्टॉल कर लिया है, लेकिन मतलब डाउनलोड कर लिया, सिर्फ इंस्टॉल करना है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो से जो है वो आपको स्पीडोमीटर देखने को मिलेगा इंशाल्लाह। बाकी खैर यार आप लोग मुझे ये बताओ कि अपने जो डेली यूजेस के हैं ना, फ्रैंकलिन ने लेनी है गाड़ी, तो वो ये होंडा सिविक ले या टोयोटा करोला ले। अगर टोयोटा करोला ले तो कौन सी मॉडल ले, क्योंकि सिविक का एक ये मॉडल है रिबॉर्न है और रिबर्थ है। ये भी आप लोगों ने बताना है कि कौन सी गाड़ी लूँ, कौन से वाला मॉडल। और इसने वैसे सेंट शॉर्ट्स में इसने इलेक्शन लड़ने थे, इसका काफ़ी पहले से इरादा है, 2 साल पहले से ये जो है ना अपनी ज़रा तैयारी वगैरह उधर लोगों की हेल्प वगैरह कर रहा है, तो काफ़ी लोग जो है ना इसको मेरे ख्याल से वोट डालेंगे, और आई होप कि ये जीत भी जाएगा बहुत ही आसानी से। अभी हमने अपने फ्लैग्स का भी जो है वो कह देना, पोस्टर वगैरह और ये फ्लैग्स वगैरह, इसका भी हमने जो है ऑर्डर दे देना। ताकि हम उसको सेंट शॉर्ट्स वगैरह में लगा दें, क्योंकि भाई पोस्टर्स वगैरह लगते हैं आप लोगों को सबको पता है। और यार आज इंशाल्लाह 2 वीडियोस आएंगी, एक तो ये भी आ रही है और एक आएगी शाम को, लेकिन 4 बजे नहीं थोड़ा लेट आएगी। खैर जो हमारी गाड़ी है ना यार वो इधर फ्यूल स्टेशन के साथ जो मॉल है ना ये सामने, हाँ मेगा मॉल, उसने कहा था इधर आ जाना पार्किंग में, वो इधर ही भाई रहता है, मतलब इधर पास ही रहता है। इधर BMW के इधर से पता करना है हमने, अब पता नहीं किधर है, उसने कहा था मुझे आके जो है ना मैसेज कर देना, मैं आ जाऊँगा। उधर नीचे चलते हैं, क्योंकि इधर यार और भी लोग हैं, तो ज़रा सही तरीके से हम नहीं देख पाएंगे गाड़ी को, मतलब सही तरह चेक नहीं कर पाएंगे। ये यही तो नहीं है, नहीं है तो कोई और भाई खड़ा है।
इधर पीछे ही रोक लेते हैं, उसको मैसेज कर देते हैं कि भाई आ जाए, हम इधर खड़े हैं। और जो रिवो का ना, वो हमें मेरे दोस्त ने बताया कि रिवो उसके दोस्त उसके जानने वाले के पास है, तो उसको करते हैं मैसेज जल्दी से ताकि वो आ जाए। अभी जो आईफोन है ना वो गाइस वो टूट गया, अभी ये फिलहाल छोटा मोबाइल रखा हुआ। आईफोन इंशाल्लाह दोबारा जाके बाई करेंगे हम। अस्सलाम वालेकुम भाईजन, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ भाई जी, आप सुनाओ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ भाई। अच्छा ये गाड़ी है भाई, देख लो, पहले हम चेक कर लें फिर हम करते हैं प्राइस की बात। ठीक है भाई। ओके ये BMW BMW S950 आई है, ये देख लो, मॉडल बिल्कुल न्यू नहीं है, थोड़ा सा पुराना मॉडल है लेकिन फिर भी सही है। वैसे ये गाड़ी की जो लुक का ना यार, सीरियसली बहुत ही अमेजिंग है, ये चेक करो सर, गुस्से वाली कार लगती है, और लगता ही है भाई किसी सियासतदान के पास होगी, किसी बहुत ही अमीर बंदे के पास होगी। ओके स्पीडोमीटर वगैरह बिल्कुल परफेक्ट वर्क करता है। अरे इंटीरियर वगैरह देखते हैं गाड़ी का। हैंडलिंग वगैरह हम वो गाड़ी पे ड्राइव करके चेक करते हैं। पूरा रूफ ग्लास का गाइस, पूरा रूफ ग्लास का, ये चेक करो, अमेजिंग यार, गाड़ी बहुत ही ज़्यादा है। या फ्रेंड खैर उतर के इंजन वगैरह देखते हैं, हमने बोनट तो खोल लिया। ओके तो पूरा कवर अप हुआ है, आप लोग देख पा रहे हो, कंडीशन ठीक है गाड़ी की भी। ट्रंक भी खोल के देख लेते हैं। ओके ट्रंक बिल्कुल ठीक, स्पेस भी बिल्कुल सही है, कोई जंग वगैरह कहीं पर नज़र नहीं आ रहा मुझे। भाई गाड़ी तो परफेक्ट लग रही है, मुझे बिल्कुल पसंद आ गई। अब खैर ड्राइव कर लेते हैं। हाँ भैया मैं यार तो उधर ही खड़ा हूँ, मैं ज़रा भाई के साथ ड्राइव करके आया। आओ भाई बैठो यार, चले। ओके तो इसको हम ड्राइव करते हैं ज़रा, और फिर प्राइस वगैरह की बात तो हम कर लेंगे। और प्राइस गाइस मैं सोच रहा हूँ कि अभी इनको कैश ही दे दूँ या फिर बैंक अकाउंट में देख लेंगे, अगर इन्होंने जैसे कहा अगर कैश कहा तो कैश भी हमारे पास है, हम गाड़ी के अंदर रखा हुआ है, सीविक के अंदर कैश भी पड़ा है, और जो है हमारे पास अकाउंट में भी सारे हैं पैसे वगैरह, ये तो अकाउंट से हम ट्रांसफ़र कर देंगे जैसे उनकी मर्ज़ी हुई। ओके तो एक्सलेंट, ब्रेक्स भी बिल्कुल ठीक है यार, ये गाड़ी यार प्रोटोकॉल के अंदर, मतलब आगे जिस गाड़ी में हम होंगे ये वो गाड़ी है, और पीछे जो है हमें फॉलो करेंगे हमारे बॉडी गार्ड्स वगैरह वो सारे, तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि गाड़ी सही है ये, ताकि जो है ना ये इसके पहले रहते थे कि BMW ले ले M5, सॉरी X5, वो ज़रा SUV कार लगती है, बल्कि है ही SUV कार, तो इसने कहा वो तो फिर देखी जाएगी लेना लेम, लेकिन ये गाड़ी इसको बहुत ज़्यादा पसंद थी, इसने कहा पहले ये लेते हैं, और मैंने अभी फंसा दिया बिल्कुल बीच में ही खड़ा हुआ मैं। अमेजिंग हर चीज गाइस बिल्कुल परफेक्ट काम कर रही है गाड़ी के अंदर, मुझे अभी तक कोई भी जरा सा भी मसला नहीं नजर आया। कल निकाल ले, पत्नी ये खड़ा क्यों है, तो ब्रेक सिस्टम वगैरह सब कुछ परफेक्ट है गाइस। खैर अब चलते हैं वापस, क्योंकि हमने दूसरी गाड़ी भी देखने जाना, ये गाड़ी तो पूरी पसंद आ गई है, और पेपर्स वगैरह का भाई से पूछ लेते हैं अगर कोई इशू वगैरह तो नहीं है, तो फिर हम ये गाड़ी अभी तो नहीं ले जाते, या अभी देखते हैं क्योंकि हमने अभी दूसरी गाड़ी भी देखने जाना है यार। वैसे परफेक्ट काम कर रही है गाड़ी, बिल्कुल नई वाली कंडीशन रखी हुई है इन्होंने, ये है कि इसको वॉश वगैरह करवाना है मैंने, अभी थोड़ी सी मिट्टी वगैरह लगी हुई है आप लोग देख पा रहे हो पीछे। चलो लो सेंटर, मैंने गाइड आप लोग कल भी बताया था कि यार इधर जो है ना गाड़ी ड्राइव करना बहुत मुश्किल, नहीं ये पीछे वाला रास्ता नहीं जाता, मुझे लगा यहाँ पीछे से चल जाएंगे। खैर इस भाई से जाकर जो है ना प्राइस वगैरह पूछते हैं और फिर करते हैं हम बात।
वैसे भाई मेरे ख्याल से जो है ना प्रोटोकॉल के लिए भी बिल्कुल सही है। वो खड़ा हुआ इधर ही। ओके तो भाई से प्राइस वगैरह पूछते हैं और क्या सीन है। हाँ जी तो भाई गाड़ी हमें पूरी पसंद आ गई है, बिल्कुल सही है। अब आप हमें जो है ना इसकी प्राइस वगैरह बता दें ताकि हम जो है अपना हिसाब वगैरह देख लें। भाई अब लोग आप देख रहे हैं कंडीशन बिल्कुल परफेक्ट है इस गाड़ी की और कोई इशू नहीं है। टायर्स वगैरह भी जो है ना हमने बिल्कुल ठीक हालत में रखे हुए हैं। आप टायर्स की कंडीशन भी देख लें, इंटीरियर इंजन सब कुछ आपने देख लिया। चाहे तो आप किसी मैकेनिक को चेक करवा लें, कोई कभी से गाड़ी रिपेयर नहीं है, कुछ भी नहीं है। ठीक है ठीक है, वो तो जी बात आपकी बिल्कुल ठीक है। प्राइस हमें बता दें, हम सही मुनासिब मुनासिब बताना। भाई ऐसे कर लेते हैं कि वैसे तो ये गाड़ी करोड़ रुपए की बिकी नहीं है मेरी आराम स्कूल से, लेकिन चले 95 लाख ठीक है यार। ऐसे करते हैं 90 लाख कर लेते हैं, बिल्कुल जो है ना मेरे ख्याल से मुनासिब कीमत है। 90 लाख के अंदर आप ये गाड़ी मुझे दे दें, क्योंकि मैंने एक और गाड़ी बाई करने जाना है ज़रा, तो इसलिए ज़रा। चलिए ठीक है, फिर आपको गाड़ी चाहिए कब तक? मुझे आप कब तक दे देंगे? जब तक मतलब आप सारे इसके पेपर्स वगैरह रेडी करवा लें, और अगर आप कहते हैं तो मैं आपको आधे जो पैसे हैं वो भी दे देता हूँ, और जो बाकी पैसे बचेंगे वो फिर मैं जब गाड़ी लूँगा तब आपको दे दूँगा। चलिए ठीक है, फिर आप जो है ना ऐसे ही कर लेते हैं, और इंशाल्लाह 2 दिन के अंदर अंदर जो है ना मैं आपको इस गाड़ी के पेपर्स वगैरह रेडी करके ना तो आपको गाड़ी दे दूँगा। चलिए ठीक हो गया, आप पैसे हम दे दें फिर। जी जी ठीक है, आधे पैसे आप दे दें, आधे हम फिर कर लेंगे। और कैसे करें, मुझे अभी इसे 20 लाख जो है ना स्टार्टिंग दे दें, बाकी जो जब आपको मैं गाड़ी दे दूँगा फिर आप कर लीजिएगा। चलो ठीक है यार, तो फिर मैं ऐसे कहता हूँ आपको जो है ना अकाउंट में सेंड कर देता हूँ, ठीक है? तो आप फिर कर लीजिएगा, आज मैं आपको 20 लाख अभी ट्रांसफ़र कर देता हूँ, बाकी जो है फिर जब मैं गाड़ी ले लूँगा फिर आप ट्रांसफ़र कर दूँ, ठीक? क्या चलिए जल्दी से चलते हैं, क्योंकि हमने अभी एक और गाड़ी जाकर देखती है और टाइम जो है ना काफ़ी लेट हो रही है हमें, क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया। वो भाई भी अभी जाने लगे हैं गाड़ी। यार खैर आप लोगों ने मुझे बताना है, वैसे गाड़ी मुझे पसंद आ गई इसलिए मैंने जो है ना बयाना जैसे कहते हैं पाकिस्तान में वो दे दिया हुआ है, क्योंकि गाड़ी भाई बहुत बिल्कुल लश कंडीशन रखी हुई है भाई, अगले ने इतना तो बनता है यार उसका। यार इधर से हमने जाना है, एक सेकेंड सॉरी, पिछले स्ट्रीट से जाना था हमने, मैं इधर आगे आ गया, इधर से हमें इधर जाना इधर ही कहीं पर। ओ भाई मारने देना, इधर जाना है इधर, मैं वो कह रहे थे इधर ही मिलेंगे हमें गाड़ी, इधर हम बाहर ही खड़ी कर देते हैं और अंदर जाकर जो है ना उधर, वो कह रहे थे अंदर जो है इधर ही रहते हैं फ्लैट में, तो कह रहे थे मैं इधर ही आपको मिल जाऊंगा तकरीबन। वो कह रहे थे मैं पूरे 6 बजे तक जो है ना उधर पहुँच जाऊँगा, क्योंकि वैसे हमारी बात हुई थी 4:30 की, लेकिन फिर मैंने उसको कह दिया था कि यार हमें थोड़ी लेट है तो आप जो है ना 6 बजे तक उधर आ जाएँ, तो उसने कहा चलो ठीक है 6 बजे तक आ जाऊँगा। अभी खैर टाइम हो गया, 6 तो बज गए हैं, अब देखते हैं कब तक आते हैं वो भाई। आई थिंक यही है मेरे ख्याल से, नहीं शायद ना हो ये। आज ही यार चल आओ गाड़ी देखें, क्योंकि इसके दोस्त का है, इस भाई का दोस्त है। अस्सलाम वालेकुम भाई जान, क्या हाल है? ये इधर ही कहीं जॉब करते हैं, खैर गाड़ी देख लेते हैं हम और उनसे फिर पूछ भी लेंगे। हाँ यार तू भी देख ले। ओके हेडलाइट्स वगैरह परफेक्ट वर्क कर रही हैं, ये सामने छोटा सा डेंट है, पूछ लेते हैं कैसे लगा, ये क्या सीन है इसका। टायर्स वगैरह ठीक हैं, बस इसके जो रिम है ना वो चेंज करवाने पड़ेंगे हमें, क्योंकि ये कुछ ज़्यादा खास नहीं लग रहे। उसके बाद पीछे से भी कंडीशन सही है, रिपेंट वगैरह पूछ लेंगे, क्योंकि ये जो है ना इसका अहमद के जानने वाला है, तो ज़रा प्राइस वगैरह जो है ना वो एक तो प्राइस भी सही रखेगा और सब कुछ सही से बता भी देगा। ओके स्पीडोमीटर इसका भी वर्क करता है बिल्कुल, कंडीशन इंटीरियर की भी बिल्कुल ठीक है। स्पीड गाइस इसने हॉर्न पे जो है ना वो म्यूजिक लगाया हुआ, खैर इसका म्यूजिक सही है मेरे ख्याल से, ये चेंज करवा लेंगे देखा जाएगा फिर। उसने विंडोज चेंज करवाई हुई है बिल्कुल अच्छा। अब ये जो गाड़ी है ना ये अहमद ने खुद ड्राइव की हुई है, तो उसने कहा था कि ड्राइव वगैरह तो ना भी करना, ये करना चाहे तो कर लें क्यों, लेकिन हमें उसके ऊपर पा रहा, तो उसने कहा मैंने ड्राइव की हुई। ओके तो बोनट खोल दिया है और इसके इंजन में पूरा कवर अप है,
ये देख पा रहे हो बिल्कुल सारा उन्होंने कवर किया, लेकिन कहीं किसी जगह पर मुझे जंग वगैरह कुछ नज़र नहीं आ रहा। और उसने ये भी हमें खोल कर दिखा दिया था, ये देख पा रहे हो 18 मॉडल है गाइस, 2 साल हुए हैं सिर्फ, लेकिन उन्होंने बहुत संभाल के रखा, बहुत कम चलाया। और ये कहीं प्रोटोकॉल वगैरह मतलब किसी ऐसे काम के लिए नहीं यूज़ हुआ ये, तो अब ये सेल करना चाहते थे, पत्नी कोई और शायद लेना चाह रहे होंगे इसलिए, तो इसलिए इन्होंने जो है ना इसको बहुत संभाल के रखा। अब ये पूछ ही आ रहा है मतलब ये गाड़ी कैसे लगी। ओके तो भाई साहब वो बता रहे हैं कि ये गाड़ी हमने खुद नहीं मारी, ये बाहर खड़ी हुई थी तो बाइक वाले ने आके सरा, बाइक वाला आके लगा, लेकिन थोड़ा सा ही बिल्कुल है स्क्रैच ही है बस दो चार, ये थोड़ा सा रिपेंट का काम है, मतलब आप इधर जो है ना इसको शॉवर करवा लें तो बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी। खैर वैसे भी ये गाड़ी गार्ड्स के पास होनी है, अब इसके अलावा हमने एक और गाड़ी बाई करनी है, वो अभी मेरा कोई ख्याल नहीं है उस गाड़ी को बाई करने का। गाड़ी ये है कि ये है रिवो, और हम मैं चाह रहा हूँ कि एक वीगो भी बाई कर लें, जो वीगो है ना वो हम रखेंगे ज़रा गाँव वाली साइड पर, मतलब सेंट शोर्स वाली साइड पर। खैर ये गाड़ी तो पसंद आ गई है, पैसे की बात कर ले अहमद और जितने बंदे हैं फिर उसको बता दें मुझे, ठीक है मैं चलता हूँ। ये पूछ ले भाई से कि गाड़ी ले जाएँ हम या उनको बाद में कभी देंगे। ओके तो अहमद ने पूछ लिया, वो कह रहे हैं कि गाड़ी ले जाएँ और पेपर्स वगैरह जो हैं वो गाड़ी के बीच में ही हैं, तो गाड़ी हम एक दो दिन में अपने नाम करवा लेंगे। खैर अभी हम चलते हैं जल्दी से, क्योंकि भाई काफ़ी टाइम हो गया है और हमने अब घर पहुँच के, घर तो फिलहाल हमने अभी एक और घर भी बाई करना है, लेकिन मेरा ख्याल है कि सेंट शोर्स में खेलो। चल ठीक है फिर मैं चलता हूँ, आ जाएगा। ठीक है भाई मैं ये रिवो ही लेके जा रहा हूँ अभी, वो अपनी जो उसकी गाड़ी है ना उस पर आ जाएगा। और गाइस ड्राइविंग के अंदर तो ठीक है, ड्राइविंग के अंदर ठीक है, चलाने में मज़ा आ रहा है बिल्कुल परफेक्ट है यार। जोन सी गाड़ी में आ लेगी फिर तो वही गाड़ी नजर आने लग जाती है, नहीं रिवो इतने ज़्यादा नहीं, वही लगा रिवो भी इधर काफ़ी ज़्यादा घूम रहे होंगे, लेकिन एक दो एक ही था कोई सिर्फ, क्योंकि टाइम भी हो गया यार काफ़ी ज़्यादा। खैर गाइस मैंने आप लोगों से पूछा था कम्युनिटी टैब में कि प्रोटोकॉल की वीडियो बनाओ, तो आप लोगों ने कहा है बनाओ, लेकिन वो प्रोटोकॉल की वीडियो अभी नहीं आने वाली, वो वीडियोस तब आएंगे जब इलेक्शन बहुत करीब है, तो इलेक्शन जब होंगे ना तो तब वो वीडियो आना शुरू हो जाएगी, मतलब प्रोटोकॉल वगैरह फिर हुआ करेगा और धरना वगैरह भी करेंगे हम फिर, तो सारा भाई पूरी कैंपेन वगैरह हमने करनी है इंशाल्लाह, वो भी जो है ना एक दो हफ्ते के अंदर स्टार्ट होने वाले हैं, कैंपेन्स वगैरह हमने करना स्टार्ट कर देनी है। गाड़ी में हमने इसलिए बाई की है, लेकिन जो है ना वीगो वो मैं कैंपेन से पहले ही बाई कर लूँगा, क्योंकि और भी काफ़ी ज़्यादा गाड़ियाँ होंगी कैंपेन के अंदर, आप लोगों को पता है यार यही होता है कि गाड़ियाँ काफ़ी ज़्यादा होती हैं। खैर माइकल भी आ जाएगा और ट्रैवर को भी बुला लेंगे, ट्रैवर की स्पोर्ट है ना यार जिसके साथ, वो मतलब समझ जीत गया, क्योंकि ट्रैवर की उधर काफ़ी ज़्यादा बात मान जाती है, सैंड शॉल्स में जाना मतलब ट्रैवर का काफ़ी रोप वगैरह है, तो उससे जो है ना हम आराम सुकून से जीत सकते हैं, क्योंकि उसकी स्पोर्ट हमारे साथ है, काफ़ी अच्छा दोस्त है हमारा ट्रैवर। और गाइस घर बाई करना है अभी, हम लोग जो है ना 2-3 दिन हो गए इधर ही हैं, जरा फार्म हाउस में आप लोगों को पता है जो घर था वो माइकल को दे दिया था, तो इसलिए अब जरा अपने लिए जो है ना घर बाई करना है। और मेरे कह रहे कि अब सैंडी शॉर्ट्स में ही ले लूँ, आप लोग बताओगे सैंडी शॉर्ट्स में ही लूँ या फिर इधर लूँ दो सेंटोज में। भाई बस चलो यार फिर बस आज की इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर न्यू वीडियो के साथ, अल्लाह हाफिज़।